हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में कि आप लोग का इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड जो इसका प्रिंसिपल, जो इसका फॉर्मूला आता है आप लोगों का, उसको निकालेंगे हम किरचॉफ लॉ की हेल्प से, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूँ, तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसमें आपके चार रेजिस्टेंस होते हैं आप लोगों का। एंड वो कुछ आप लोग का ना जो पैरेलो पाइप होता है आपका, पैरेलोग्राम आपका, उसके कॉर्नर्स में आपका प्लेस होता है, ठीक हो गया, स्क्वायर के कॉर्नर आप ऐसा कह दो आप लोगों का। तो आप लोगों का चार रेजिस्टेंस हैं जिसको हम कुछ इस तरीके से आपका प्लेस कर रखते हैं, ठीक है। और इसके जो ये दो डायगनल्स हैं आप लोगों का, एक डायगनल ये होगा, एक डायगनल ये, तो एक डायगनल में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक की लगा देते हैं, साथ में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम देखेंगे कि यहाँ पर करंट बह रही है या नहीं बह रही है आप लोगों का, ठीक है। साथ में ये जो दूसरा आपका डायगनल है, इसमें हम लगा देते हैं आप लोगों का एक बैटरी, साथ में एक अनदर की। तो इतना कुछ हम कर लेते हैं। नाम हम इनको कुछ इस तरीके से देते हैं, पी क्यू एंड आर एंड एस आप लोगों का, और ये है आपका गैल्वेनोमीटर जी। तो ये आप लोगों का है आप लोगों का इसका स्ट्रक्चर आप लोगों का। तो इसमें क्या होंगे, आपका चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस आप लोगे, जिसको आप ईच साइड ऑफ, इसका नाम अगर मैं दे दूं आपका ए बी सी डी, तो ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, या स्क्वायर या पैरेलोग्राम ए बी सी डी के कॉर्नर्स में आप, या क्वाड्रिलेटरल कह देना सीधे, तो ईच साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आप जोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, बी और डी के बीच में आप एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दोगे, साथ में एक की, एंड ए और सी के बीच में एक की जोड़ दोगे, साथ में एक बैटरी आपका या सेल आप कनेक्ट कर दोगे आप लोगों का, ठीक है। तो साथ में ये, अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर इसका। अब ये चीज हमेशा याद रखना है, इसमें से होता क्या ना आपका, जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं आपका, तो चारों के चार जो रेजिस्टेंस होते हैं उसमें से एक हमको अननोन होता है आपका, क्योंकि हमको यही फाइंड आउट करना होता है आप लोगों का अननोन रेजिस्टेंस आपका। तो एस को मोस्टली हम एस को क्या बोलते हैं आपका, अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं आपका। अब इसका प्रिंसिपल क्या है फिर समझना आप लोग का। तो प्रिंसिपल बस इतना सा है आप लोग का कि हम क्या करते हैं ना, आप लोग का एक ऐसी कंडीशन ढूंढते हैं, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर से करंट ऑन करोगे, एंड इस आर की वैल्यू को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं आप लोग का, आर की वैल्यू को क्या करोगे आप लोग, हल्का बदलते रहोगे आप लोग का, और बदल बदल के हम एक ऐसी कंडीशन ढूंढेंगे जिस टाइम गैल्वेनोमीटर में क्या हो आपका, जीरो डिफ्लेक्शन हो आप लोग का, जब गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट ना बहे। गैल्वेनोमीटर में कब करंट नहीं बहेगी, जब बी का पोटेंशियल डिफरेंस और डी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बी और डी का जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जब तब हम क्या कहेंगे, बीच में करंट नहीं जा रही, क्योंकि करंट क्या होती है ना, हमेशा जब करंट को पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तभी करंट बहती है आपका। अगर करंट को पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं दिख रहा है तो नहीं बहेगी। जैसे पानी होता है ना, अपर लेवल से लोअर लेवल में आता है, वैसे ही आपका जो करंट होती है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आती है। अब अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो करंट नहीं बहेगी आपका, वही चीज यहाँ पर भी आप लोगों का। तो हम क्या करेंगे, इस आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे, कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू रखेंगे, ताकि बी पॉइंट और डी पॉइंट का क्या हो, पोटेंशियल सेम हो जाए। और जिस कंडीशन में बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाता है उसको बोला जाता है आपका बैलेंस्ड कंडीशन। उस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन दिखता है, एकदम ऐसा ही जीरो डिफ्लेक्शन, या कहूँ उसमें करंट नहीं होती है आपको, ठीक हो गया। और हमेशा बैलेंस कंडीशन में प्रिंसिपल बस इतना ऐसा है कि जब आपको बैलेंस कंडीशन मिल जाएगी, उस टाइम पर किसी भी दो एडजेसेंट रेजिस्टेंस का रेशियो, जैसे पी और क्यू का, तो अगल बगल वाले हैं ना ये, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रिमेनिंग एडजेसेंट का रेशियो हो जाएगा आपका आर अपॉन एस। देखो किसी भी दो, जरूरी नहीं है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, ऐसा भी हो सकता है पी अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस, मतलब कोई भी अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसियों का आपका जो रेशियो होगा आपका, वो बचे हुए जो आप लोगों का अड़ोसी पड़ोसी उनके रेशियो के बराबर आपका आता है आप लोगों का। तो ये है इसका सिंपल सा आपका प्रिंसिपल। तो यही है आपका पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज आपका। चार रेजिस्टेंस है, क्वाड्रिलेटरल के कॉर्नर्स में आपने प्लेस कर रखा है, मतलब साइड्स में आपका प्लेस कर रखा है, ठीक है। एक बी और डी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर एंड की जोड़ रखी है, एंड ए और सी के बीच में बैटरी एंड आपका की जोड़ रखा है आप लोगों ने, ठीक है। एस क्या होता है आपका, अननोन रेजिस्टेंस होता है आप लोगों का। अब नाउ जब हम इसका प्रिंसिपल में लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि आर की वैल्यू को हम ऐसे चेंज करेंगे, ऐसी एक स्पेसिफिक वैल्यू रखेंगे जिस कंडीशन में बी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। और जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, उस टाइम गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बहेगी, तो उस कंडीशन में इसको कहते हैं हम बैलेंस्ड कंडीशन। और बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, या फिर पी अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस। तो ये सिंपल सा आप लोग का व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब आता है इसका डेरिवेशन या इसका प्रूफ आपका विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जो बहुत बार आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है आपका कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो फॉर्मूला है उसको किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से निकाल दो। ये फॉर्मूला, ये चीज आपकी बहुत बार आती है आप लोग का।
तो ये करते हैं आप लोगों का। तो इसके लिए मैं बनाता हूँ, इसी डायग्राम की हेल्प से लेते हैं। वैसे नॉर्मली हम दो डायग्राम बनाते हैं आप लोगों का, एक तो इसके क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है आप लोगों का, ऊपर लिखना होता है, देन डेरिवेशन में अलग से मेरे आपका आता है। तो यहाँ पर अभी मैं यहीं से बना लेता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ से जो करंट निकली है वो है आपकी आई, ऊपर जो करंट गई ठीक है उसको मैं कहता हूँ आई वन, एंड जो नीचे करंट गई है उसको मैं कहता हूँ आई टू। अब नाउ समझना आप लोगों का, बी पॉइंट पर अगर मैं देखूँ ना आपका, बी पॉइंट पर एक नीचे को आपका हमने की जोड़ दी होगी और जीरो डिफ्लेक्शन आपका दिख रहा है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन में ही हम काम कर रहे हैं आपका, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में ही ये फॉर्मूला आपका आता है। अब बैलेंस कंडीशन है तो इसका मतलब है इस ब्रांच में करंट नहीं बहेगी ना, तभी तो बैलेंस कंडीशन है। तो जितनी की जितनी आई वन करंट यहाँ से आ रही है तो वो सारी की सारी मेरे ख्याल से यहाँ पास हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, यहाँ आई वन चले जाएगी, क्योंकि बीच वाली में तो करंट नहीं बहने वाली है, बैलेंस कंडीशन है वही। वैसे ही आई टू करंट जो यहाँ पर आई, अब ऊपर वाली इस ब्रांच में तो करंट जाने वाली है नहीं, तो सारी की सारी करंट आपकी आई टू यहाँ पहुँच गई, तो आपके पास आ चुकी है करंट, आपने दिखा दिया। और जब ये आई वन और आई टू यहाँ पर मिलेंगे तो बन जाएगा आपका दोबारा से आई। अब यहाँ समझना, हम सबसे पहले आते हैं लूप में, इन लूप किरचॉफ लॉ सीधे लगाते हैं आपका ए बी डी ए में हम मेजरमेंट करने वाले हैं कुछ इस डायरेक्शन में। किरचॉफ्स लॉ लगाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, उसको सीखना आप लोगों का। तो जहाँ पर हमने किरचॉफ्स लॉ लिखा, मैंने प्रीवियस के जो दो वीडियोस हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में है, किरचॉफ्स लॉ साथ में उसके न्यूमेरिकल, तो वो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोगों का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का इसके लिए भी और वैसे भी आपका न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ इन लूप ए बी डी ए, अब मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस नापूंगा तो कितना हो जाएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इसकी करंट, अब पी आई वन, ठीक हो गया। अब इसमें करंट क्या है, इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, ए बी डायरेक्शन में जा रही है, और हम मेजर भी ए बी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं तो हमेशा नेगेटिव ही आता है आपका। नाउ जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया है लेकिन इसमें करंट है नहीं, की लगी है करंट नहीं है, मतलब ये सारी की सारी, तो ये ब्रांचेस तो आपकी हटा दोगे इसको। अब बचा नीचे वाले का, नीचे वाले में जो रेजिस्टेंस आ रहा है एंड करंट है आपकी आई टू, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना, हम उल्टी डायरेक्शन में नाप रहे हैं, हम ऐसे नाप रहे हैं ए बी डी ए, डी ए डायरेक्शन में नाप रहे हैं, लेकिन करंट ए डी में वह रही है, इसका मतलब है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, प्लस इज इक्वल टू जीरो, और कोई बैटरी वैटरी लगी है नहीं, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा फिर पी आई वन इज इक्वल टू आर आई टू, इसको वहां भेजोगे तो माइनस आर आई टू होगा, माइनस से माइनस कटेगा तो इतना ही कुछ आएगा, इसको ना कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर वन। अब आते हैं इसके बगल वाले लूप में, तो उसका नाम देता हूँ मैं एन लूप, हम मैं मेजरमेंट करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से बी सी डी बी, इसी वे में मैं इसमें भी मेजरमेंट करने वाला हूँ आपका। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्यू वाला, तो क्यू में करंट है आई वन, करंट की डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, देन एस आई टू, और एस आई टू हो जाएगा आपका प्लस में क्योंकि करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा क्यू आई वन इज इक्वल टू एस आई टू, इक्वेशन नंबर टू। जब आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ जाती हैं तो इसके बाद क्या करोगे, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा पी आई वन अपॉन क्यू आई वन इज इक्वल टू आर आई टू अपॉन एस आई टू, ठीक है, आई वन से आई वन कैंसिल, आई टू से आई टू, तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, तो ये हो गया आपका सिंपल से प्रिंसिपल, या फिर इसको और करके ऐसा भी कह सकते हो पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस। तो ये सिंपल सा आपका क्या है, किरचॉफ्स लॉ, वो किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ आपका, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।